कि बीकानेर जिले में सरकार सोलर प्लांट लगा रही है, सौर ऊर्जा के पैनल लगा रही है, और उस पैनल के चक्कर में बीकानेर धरा के लोगों का हृदय कह लो या मारवाड़ की तुलसी कह लो, खेजड़ी, वो बड़ी संख्या में काटी जा रही है। मारवाड़ की खेजड़ी मारवाड़ का प्राण है, जीवन का आधार है। हमने देखा है मारवाड़ के लोगों का, अरे भाई इनकी मति कैसे बिगड़ गई है, याद नहीं आ रहा है उनको खेजड़ली की घटना, कैसे भूल गए। खेजड़ली दिवस तो मनाते हैं और खेजड़ी को काटने का काम कर रहे हैं। अरे भाई जहां ऐसा मरुस्थल है जहां वृक्ष नहीं है वहां लगा लो सोलर पैनल लगा रहे हैं। तो ये सीमेंट कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल हैं देश भर में, वहां लगा लो, छतों पर लगा लो भाई, जगह कम पड़ रही हो तो समुद्र पर तैरते हुए बड़े बड़े जहाज बना के उन पे लगा दो। पर मारवाड़ का जो प्राण है खेजड़ी, उस खेजड़ी की लूंग को यानी कि पत्तियों को वहां की गैया जीमती है, वहां के पशु जीम के, वही उनके लिए न्यूट्रिशन है। अरे यहां तो खूब खेती होती है, खूब हरियाली है, वहां अलावा खेजड़ी के है क्या? खेजड़ी की फली को सुखा करके लोग सब्जी पाते हैं, यहां तो आपके लौकी टमाटर भिंडी तुरई गोभी ये वो सब होता है, वहां तो काचरी होती है केवल बरसात में, और बाकी वही सूखी खेजड़ी की फली को खा करके वो मारवाड़ी भाई बहन अपना जीवन बिताते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। शासन तो अच्छे लोगों का है पर ऐसा करना तो बहुत बड़ा अपराध है भगवान, बहुत बड़ा अपराध है, अपराध नहीं महा अपराध है। अरे जिन जम्बेश्वर जी ने बिश्नोई समाज की स्थापना की उन्होंने तो खेजड़ी को भगवान माना, 300 से अधिक भाई बहनों ने अपने प्राण खेजड़ी के लिए दे दिए। अगर इस समय भी वैसा हुआ तो इतिहास दोहराया जा सकता है। कई लोग इस समय बीकानेर में अनशन पर बैठे हैं। हमारे एक परम गोभक्त बहन अलका बिश्नोई गोमाता के लिए भी सदा संघर्ष रहती है, वो भी पिछले 5 दिनों से अन्न जल का त्याग करके बीकानेर में अनशन पर बैठी है कि खेजड़ी बचनी चाहिए, मुझको अनशन पर बैठने की जरूरत क्यों, फिर ये ढकोसले क्यों भाई। एक तरफ तो पर्यावरण रक्षा के नाम पर आप हजारों पेड़ लगाने की बात करते हो और शासन के पेड़ चलते कहां हैं? किसी एक शासन की बात नहीं है, ब्यूरोक्रेसी है ही ऐसी, सत्ताएं कोई सी भी आए और जाए लेकिन सरकारी पेड़ चलते कहां हैं? कागजों में, धरती पर तो नहीं चलते। फॉरेस्ट हर साल लाखों पेड़ लगाता है, अब तक तो धरती पर इतने पेड़ हो जाने चाहिए कि कुछ दिखना ही नहीं चाहिए था, सरकारी पेड़ नहीं चलते भाई। वो लोगों की भावनाओं के वृक्ष जो चल रहे हैं, उन भावनाओं के वृक्षों को काट करके आप लोगों की भावनाओं को काटने का काम मत करिए। खेजड़ी एक धार्मिक वृक्ष है, काटना है तो भाई आप लोग वहां जाइए जहां राव मल्लीनाथ का वो राजधानी है, तिलवाड़ा की तरफ, बाड़मेर के उधर, बालोतरा के उधर, अरबों की संख्या में जूली फ्लोरा नाम का वृक्ष है जो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है, गोचर को भी नुकसान पहुंचा रहा है, लोगों का स्वास्थ्य भी खराब कर रहा है। विलायती बबूल, जिसको गुजराती में गांडा बावल बोलते हैं और मारवाड़े में उसको विलायती किकर बोलते हैं, वो जो चीज है उसको काटिए भाई, काटना है तो। और बहुत बड़ी बड़ी जमीनें जो पड़ी है, कच्छ का रण पड़ा है जहां कुछ नहीं होता है, वहां लगा दीजिए भाई, लगाना हो तो। ये तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, और ये आपके भी हित में नहीं है, संस्कृति के भी हित में नहीं है, भगवान भी नाराज होंगे। इसलिए हम आपसे वैसे भी आग्रह करते हैं कि आप ऐसा मत करिए, और जो अनशन कर रहे हैं भाव से हम इस मामले में उनके साथ हैं, उनके साथ हैं।